Thank you, Honorable Speaker. The Honorable Minister referred that stress is a very major factor in institutes of higher education. One of the reasons for high levels of stress is the cases of sexual harassment and bullying. My question to the Honorable Minister is, what instructions has the Ministry given to institutions of higher education with respect to monitoring and supervision and resolution of cases of sexual harassment and bullying? And specifically, we've seen in the recent case in Gargi College how a festival for girl students became a very painful episode because so many males entered and harassed the girl students over there. So what steps will your ministry take so that the girls of Gargi College feel safe and reassured? अश्विनमन जो ये घटना का जिक्र कर रहे हैं जो संज्ञान में आए हैं वो छात्र नहीं थे, कहीं बाहर के लोग वहाँ घुसे थे, वो भी ठीक नहीं है, इसलिए उस कॉलेज के प्रशासन को पूछा गया कि इसमें ध्यान दें। जहाँ तक जो बच्चे का तनाव है और उसकी समस्याओं का विषय, हम लोगों ने दीक्षारंभ ये कार्यक्रम शुरू किया है श्रीमान, चाहे वो उच्च शिक्षा में हो चाहे तकनीकी शिक्षा में हो, कि जब भी बच्चा उस परिवेश में जाएगा तो सबसे पहले उसका परिचय पुरातन छात्र कराएंगे और पुरातन छात्र मिलकर के फिर अध्यापक गण के साथ मिलकर के उस पूरे परिसर का वातावरण तैयार कराएंगे, उनको जानकारी देंगे। शुरू से ही उस छात्र को ये लगना चाहिए कि हाँ, जिस संस्थान में वो आया है वो उसका है और जो पुराने छात्र हैं उसके सहयोगी हैं और जो अध्यापक हैं उसके मार्गदर्शक हैं। और इस साल से जो ये कार्यक्रम हमने दीक्षारंभ का शुरू किया है उसमें अद्भुत प्रकार की जो है रिजल्ट आए हैं और कोई भी घटना घटती है तो उसके लिए कड़े से कड़े प्रावधान किए हैं और उस समय हमने लागू किए। क्वेश्चन नंबर 106, श्री अब्दुल खालिक जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 106।